जाने वाला तो विष्णु से की अरे बहुत नाम है सब बहुत लोगों में मतलब रहता हूँ। तीसरा संदेश में सब लोग पहुंच गया तो संदेश हो गया है ना। और उधर ने इतना दिल छूने वाला बात है। अब देखो वो एक बड़ा गहरा संदेश था, शायद 2 घंटा संदेश देने से बढ़कर वो संदेश था है ना, मेरा दिल को तो बहुत छू लिया। गीत शुरू होने से पहले श्रेया ने इतना सुंदर प्रबोधन भजन किया, एक बड़ा संदेश था। 2 संदेश हो गए, अभी अपन तीसरा समय संदेश पे आओ। सच में ये गौरव, अभी मैं पिछले दिन से कल एक ही न्यूज़ आया, वो न्यूज़ क्या था मालूम है? जो हम लोग पहले जो नामदारी मंडली में था रोमन कैथोलिक, हमारा वो चर्च बहुत बड़ा चर्च है, हमारे करीब 30,000 लोग मेंबर्स, 30,000। तो सवेरे 5:30 बजे का वो मास के लिए वो लोग 4:30 बजे से आके गेट पर खड़ा है, गेट खोला नहीं। तो जब वहाँ का पादरी ने देखा ये हमेशा ऐसा 4:30 बजे से आता है, तो उन्होंने टाइम चेंज कर दिया, उन्होंने 5 बजे लिख दिया, एक और मास बढ़ा दिया। बोलो इतना भीड़, आप देखिए कल का न्यूज़ में आया वो बात, हम लोग जो मतलब चर्च में जाता था वो चर्च का बात, फोटो सहित वहाँ पर दिया है, बहुत बड़ी बात है। नामदारी लोगों में भी जागृति हो रही, लेकिन प्रभु का लोगों में सुस्ती बनाया आया है कि नहीं, मतलब अवस्था देखता है तो रोने के लिए आता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोग बोलता है हम प्रभु का लघु से खरीदा हुआ लोग है ना, प्रभु ने हमें लघु देख उनको मालूम, उनको उदार का अनुभव नहीं। मैं कल वो अनुभव भी देखा तो मैं ये सोच रहा था कि अभी मैं कैसा समझाऊं लोगों को, इतना विस्तार से बहुत। और वो मतलब न्यूज़ वाला जा करके वो फादर को पूछता है कि कैसे क्या मतलब आपको इधर इतना मतलब ये है, अभी एक दिन में 7 मतलब ऐसा ये है क्योंकि लोग इतना ज़्यादा है, एक ही साथ 12-13 हज़ार तक उसके अंदर बैठ सकते हैं, इतना बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा पुराना चर्च है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं बोलना चाहते क्या है प्रयोग अपने जीवन में हमको ये जानना है कि तुमने इतना बड़ा अनुग्रह दिया ना, इतना बड़ा उदार दिया, क्या आज हमें वो उदार का आनंद नहीं? हम प्रभु के उपस्थिति में कैसे जाना चाहिए है ना, प्रभु के लिए कितना तड़प चाहिए प्रयोग है ना, मतलब जीवन प्रभु का प्रति इतना उज्ज्वल होना चाहिए है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का प्रभु हमारा हरेक बातों को तोलता है, प्रभु का कुछ त्राजू में अगर कमी है तो हमें मरने के बाद में क्या मिलने वाला है, क्या रहेगा हमारे जीवन में? सिर्फ मीटिंग की बात नहीं, हरेक बात प्रभु में आने के बाद हमारा हरेक काम प्रभु के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रभु के लिए। आप बर्तन धो रहा होगा, कपड़ा धो रहा होगा, कहीं चल रहा होगा, किसी बात कर रहा होगा, कुछ भी काम करता है सब कुछ प्रभु के लिए, आपके लिए नहीं है। आप प्रभु में आया हुआ व्यक्ति है तो, और आपको जानना है तो आप ये भाग को अभी मैं सर आपको पढ़ाता हूँ, बाद में जाकर घर में जाकर ध्यान करना। कौन सा? पड़ोसियों 3 अध्याय उसका 22-25 तक का वचन, पड़ोसियों उसका 3 अध्याय 22-25 तक का वचन। हाँ जो कुछ भी करता है इसका अर्थ क्या है मालूम है? आप जो भी आप पढ़ाई कर रहा है ना, लिख रहा है, मतलब खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, कपड़ा धो रहा है, बात कर रहा है, जो भी करो तन मन से करना, मनुष्य के लिए नहीं देखा, प्रभु के लिए करते हो। अब वो वजन को घर में अभी इतना मेरे को वो भाग को विस्तार से बोलने के लिए समय नहीं है, वो भाग अभी समय उसके लिए नहीं, लेकिन एक बात आगे भी पढ़ना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके
के बदले प्रभु से मीराश मिलेगी। हाँ देखो, प्रभु से मीराश मिलेगा, प्रभु से मीराश मिलेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्या मीराश पाने के लिए जाता? देखो मैं आपको नहीं डांट रहा हूँ ना, मेरे को जो प्रभु के आत्मा बोझ दिया, जो प्रकाश दिया, मैं आपको बांट रहा हूँ। और आगे तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। देखा, समझ में आया भाई? प्रभु का मोहम्मद किसी का पक्षपात नहीं। भियो ये बात को जानना है ना, ये जो पक्षपात नहीं, ये बात बार बार वजन करता है ना, रोमियो उसका दूसरा अध्याय का 11 वजन, रोमियो 2 का 11 वजन, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। देखा, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पहला पत्रोस 5 अध्याय का 17 वजन, देखा बिना पक्षपात का हरेक का काम के अनुसार न्याय करता है। तो आपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हम लोग अभी कहाँ पर है? अभी हम कहाँ पर है? परदेशी है ना। हाँ, परदेशी होने के टाइम पर कैसे करना? भय से बिताओ, भय से बिताओ, ऐसे बिताना है ना। तो आपको आशीष दे, मेरा अभी का संदेश वो नहीं, इसलिए मैं संदेश के बाद आता हूँ। हमें और एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन दिया। भैया हम प्रभु की जो आराधना करता है, कैसे आराधना करना, प्रभु की कैसे आराधना के लिए हमको आदर किया और उसके लायक बनाने के लिए कितना बड़ा कार्य प्रभु ने किया, वो बात मत बोलो प्रियो, वो बात मत बोलो, है ना। हम किसी प्रकार भी प्रभु के निकट नहीं आ सकता था, लेकिन प्रभु के निकट आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र लहू बहाया। क्यों लहू बहाया? क्योंकि वचन में लिखा है इब्रानियों 9 अध्याय का 22 वचन में, बिना लहू बहा करके पापों की क्षमा नहीं, बिना लहू बहा करके पापों की क्षमा नहीं। आप देखिए, हम लोग पूरा जीवन भर पाप में जीने वाले व्यक्ति, पाप को पानी की नहीं तो पीने वाले व्यक्ति, हम कभी भी उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लायक नहीं प्रियो, हम उसके निकट नहीं जा सकता। लेकिन प्रभु ने हमें शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया, है ना। हमारे जीवन काम रहे, लहू क्यों बहाना? क्योंकि लहू में जीवन है ना। लेवी व्यवस्था 17 अध्याय का 11 वचन, शरीर का प्राण लहू में रहता है। प्रियो, हमें इस बात को जानना है कि हमें कैसा पाप क्षमा मिला, ये बात को कभी नहीं भूलना। हमारा कोई अच्छा काम करके हमने क्षमा नहीं पाया, और पापी इंसान क्या अच्छा काम कर सकता? कभी नहीं कर सकता। लेकिन हम अपनी पापों को प्रभु के सामने कबूल किए। देखो, मैं पापी हूं करके जब कबूल किया, तब प्रभु ने क्या किया? अपनी लेगो से पहला योहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7 वजन का भी पाठ, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखा, उसके पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, है ना। इन्होंने भी पाप क्षमा पाया, इन्होंने भी अपनी पाप से छुटकारा पाया। प्रियो, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना लहू बहाना पड़ा, है ना। उसकी लहू हमें पाप से छुटकारा दिया। उसकी लहू अगर नहीं बहाया होता, और वो बहाया हुआ उस लहू पर अगर हम विश्वास नहीं किया होता, तभी भी हमें ये पाप क्षमा नहीं मिलता था, है ना। रोमियो का पत्र उसका 3 अध्याय का 25 हो जाए, रोमियो 3 का 25, लहू के कारण देखा ऐसा प्रायश्चित ठहराया। यीशु मसीह की लहू हमारा पापों की प्राचित का लहू था, है ना। ये कितना अनमोल बात है, हमें ये बात को जानना है। प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र लहू बहा करके, है ना, हमें पाप से क्षमा दिया, पाप से हमें छुड़ाया। अभी पाप से छुड़ाने के बावजूद भी हम एक पाप भरा दुनिया में रहता, और एक पाप से भरा हुआ एक शरीर में रहता, फिर एक पवित्र जीवन कैसे बिता सकता है? अभी पहली बात, हमें पाप का क्षमा मिला,
हमें मालूम प्रभु ने छुड़ाया, लेकिन अभी अभी भी हम उस दुनिया में रहता है जो कि पाप भरा हुआ है, दुष्ट के अधीन में रहने वाला एक दुनिया। ये दुनिया में पाप ने जीवन बिताने के लिए क्या मार्ग है? उसके लिए क्रूस है। क्या है? उसके लिए क्रूस है। क्रूस का भेद जानना पड़े, और हम लोग उस क्रूस का भेद नहीं जानेगा तो एक सच्चा विजय जीवन नहीं बिता पाएगा। आज लोग उस क्रूस का महत्व को नहीं जाना। प्रभु का वजन में जब भी हमारे जीवन में इस जो प्रभु ने हमारे लिए किया वो बात हमने मतलब सच्चा विश्वास की आंखों से देख करके उसकी समझ रख करके जीवन नहीं बिताएगा तो वो एक पाप पर विजय पाने वाला जीवन नहीं बिता सकता। है ना? रोमियों का पत्री उसका चौथा अध्याय उसका 6 और 7 वचन पढ़ना। हम जानते हैं कि हमारा एक पुराना मनुष्य को उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। देखा, तो ध्यान से सुनना प्रियो, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे जीवन में अगर हम पाप भरा दुनिया में पाप पर विजय पा करके जीना है तो हमें ये सूली का महत्व को जानना। सूली का सूली में क्या हुआ ये बात को उधार पाया हुआ जन अगर सही रीति में नहीं जानेगा तो अभी भी बहुत पवित्र लोग शायद उसको नहीं समझता। लेकिन मैं नंबर विनती करता हूँ आज आप ये संदेश को बहुत तन मन से सुनना। वापस पढ़िएगा 6-7। हम चाहते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य को उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये जानकारी सही नीति में रखेगा तो है ना, मेरा पुराना मनुष्य जो मेरे से पाप होते थे वो प्रभु के साथ सूली पर चढ़ गया, उसके मन वो खत्म हो गया। ये बात हमें मानना है, ये बात हमें मानना है, ये बात हमें प्रभु ने किया हुआ काम को विश्वास की आंखों से देखना है और आगे ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हाँ, इसका मतलब आगे को मैं इस शरीर के द्वारा पाप ना करे ना। मैंने आपको कई बार बताया, मैंने प्रभु का श्रेष्ठ दास जो प्रभु में सो गया वाचमैनी का अनुभव मैंने आपको बताया ना। वो एक बार ट्रेन में यात्रा करने के टाइम पर बाकी जवान लोग क्या करता है, लंबा सफर है तो तास खेलना शुरू कर देता है। इसको भी बुलाया कि आओ आप हमारे साथ शामिल हो जाओ। तब उन्होंने बोला देखो मैंने हाथ नहीं लाया है, क्या कमाल कर दिया आपने, हाथ नहीं लाया। फिर ये यीशु मसीह का है। क्या बोला? ये हाथ यीशु मसीह का है। प्रियो, हम प्रभु के साथ मर गया है तो अभी हमारे भी मैं नहीं जी रहा, मसीह जी रहा। इसका मतलब हमारा हाथ पाव आंग आंग मतलब सब कुछ अंग किसका है? प्रभु का है, प्रभु का है। आप प्रभु का परमिशन बिना आप अपनी मनमानी में या किसी की बातों में जाकर के कार्य करता है तो आप एक प्रकार अपने आप को भयंकर धोखा दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम हरेक पवित्र लोग ये जानना है कि अभी हम आगे को उस प्रकार पाप नहीं कर सकता अगर वो दर्शन पाएगा तो। प्रभु ने जो किया हुआ उस बात का सच्चाई अगर हमने जान लिया है तो ना। रोमियों के पत्र 5 अध्याय उसका 8-19 वचन भी पढ़ना। देखा, ये अपराध होगा तो हमारे जीवन में पाप का सारा गुण हमको कहां से मिला? आदम से मिला। किसे? आदम से मिला। आगे वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हाँ, कहां से मिला ये धर्मी ठहराने का काम? यीशु मसीह से मिला। देखा, हमारे जीवन में वो पुराना मनुष्य का पाप का स्वभाव हमको कहाँ से मिला? आदम से मिला। और जो धर्मी होकर के जीने का जो गुण कहाँ से मिला? सभी यीशु मसीह से मिला। हमें यीशु मसीह का बन के आए तो हमें इन बातों से कितना बेच करके जीना चाहिए, जीना चाहिए। ये बाइबल कहता है, बाइबल में जो भी लिखा है वो सच बात लिखा है ना। आपको मालूम है अगर मेरा पिताजी अगर 5 साल की उम्र में वो मर गया होता तो मैं आज दुनिया में नहीं आता था। तो आज हमको ये बात को जानना है, मतलब आदम में हम सब लोग मतलब दुनिया में आया, परंतु आपको ये जानना है जब यीशु मसीह जब मरा उस समय में यीशु मसीह किसको लेकर मरा? हमें लेकर के मरा। पक्की बात है, फिर हम कहां पर था?
मसीह में था, मसीह में था, आज मैं मसीह में था, ये बात सच्चे है, ये बात हमें विश्वास से अंगीकार करना। हम बोलेगा उस समय में मैं नहीं था ना, उस समय में मेरा जन्म नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, परंतु यीशु मसीह ने हमें भी लेकर के मरा था। ये सच्चाई प्रभु की आत्मा अगर आपको प्रकाशित करता है और वो विश्वास करेगा, आप धन्य बनेगा। ना जब इब्रानियों के पत्र में इसको समझने के लिए एक बात बाइबल में कहा हुआ है, वो है इब्रानियों उसका 7:4-10। आप इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दसवां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम की देह में देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दसवां अंश ले। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था अब्राहम से दसवां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दसवां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा दसवां अंश दिया। देखा, लेवी ने भी दिया। मेरे को वो पॉइंट चाहिए था, मैं वो बात को आपको समझाने के लिए, लेवी ने भी मरण दिया। लेवी ने कैसे दिया? अब्राहम ने दिया तो लेवी ने दिया। क्यों? अभी मतलब अब्राहम जब ये देने के टाइम पर इसहाक का जन्म भी नहीं हुआ, इसहाक का जन्म नहीं हुआ तो फिर याकूब का देखने का सोचने का ये बात नहीं। जब याकूब का भी नहीं हुआ तो फिर लेवी का, लेवी तो याकूब का संतान है। इसका मतलब क्या है भैया? यीशु मसीह में हमारे लिए जो किया हुआ वो बातों को हम लोग ओ उस टाइम पर मैं नहीं था ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। मेरा बोलने का अर्थ समझ में आया? विश्वास ये बात को जानना, पिता ने हमको मसीह में चुना था और यीशु मसीह मरने के टाइम पर हमें भी लेकर के मरा था, सर्व हमारे पाप को नहीं, हमारा पुराना मनुष्य को भी। ये कितनी बड़ी बात है। ये सब प्रभु के वचन में लिखा हुआ वो बात सत्य है करके मानने के लिए है, सिर्फ जानने के लिए नहीं, मानने के लिए। कितना अद्भुत बात है प्रियो। आज हमें मसीह में जीवन बिताने का अर्थ बहुत लोग प्रभु में आने के बाद अभी भी ठीक से नहीं समझा। हमें जानना प्रियो, जब तक भी एक बात आपको मतलब, छुटकारा का एक ही मार्ग वो मृत्यु है। छुटकारा का एक ही मार्ग मृत्यु है। ये जो मृत्यु के अनुभव नहीं आया तो फिर एक नया मतलब नया जन्म का जीवन नहीं बिता सकता। मृत्यु के अनुभव होना, आज बहुत लोगों को मृत्यु का अनुभव नहीं। प्रभु का वचन सुनने के समय में अपने पापों के लिए मरने वाला एक अनुभव चाहिए। ये अनुभव बहुत जरूरी बात है। वही रोमियो 6 का दूसरा वचन और एक और पढ़िएगा। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? देखिए, हम इसलिए किसके लिए मर गया? पाप के लिए मर गया। प्रभु का सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के बारे में वचन कहता है, हम पाप के लिए मर गया। प्रियो, मरा है कि नहीं? है ना, प्रभु का वचन कहता है हम मर गया, और हम बोलते हैं अभी भी मैं जिंदा है, फिर कैसा मसीह जीवन होगा? केवल आपका उद्धार ही नहीं हुआ, नहीं तो मैं पाप के लिए मरा है कि नहीं? मैं उसका 7 भी और एक बार पढ़िए। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। देखा, जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। जो अगर मरा नहीं है तो, मरा नहीं तो आप धर्मी ठहर नहीं सकता। इसका मतलब आप कौन सा मतलब समझ के अनुसार जीता है ये समझ में नहीं आता है ना। इसका मतलब हमें ये बात को परखना है कि मैंने सुसमाचार सुन करके मैं मर गया कि नहीं। ऐसा मरा हुआ लोगों को प्रभु ने मसीह मिलेगा। जो मरने के बाद में वो अभी मसीह हमारे लिए सब बन सकता, और वो पाप के लिए नहीं मरा तो मसीह के साथ जोड़ ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो पहला कुरिन्थी 1:30 वगैरह बहुत गंभीर शब्द है प्रियो, आप उसको ठीक से जानना। 1 कुरिन्थी 5:30। अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा।
देखो इस प्रकार मरा हुआ लोगों को पिता ने मसीह में देखा, हमारे लिए इससे बढ़कर के एक धन्य अवस्था और कहीं मिलने का है नहीं, है ना। वही हमारा पवित्रता ही है, वही हमारा धार्मिकता है, वही हमारा छुटकारा है, फिर वही हमारा ज्ञान है। एक प्रकार बोलेगा तो हमारे लिए सब कुछ वही है, है ना। स्वर्ग भी कभी भी वो व्यक्ति को मना नहीं करेगा, स्वर्ग का द्वार उनके लिए खुला रहेगा। ये कितना श्रेष्ठ बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। इसका मतलब प्रभु में विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति ये बात को जरूर अंगीकार करना है, मेरा पुराना मनुष्य प्रभु के साथ मारा गया, मारा गया। आज ये वचन सुनने के टाइम पर थोड़ा ध्यान से अपने आप को परखो प्रियो, है आप प्रभु में विश्वास करके अगर आत्मा पाया है तो आत्मा इस बात को समझने के लिए आपको अनुग्रह देगा, है। मतलब हम लोग इस बात को वचन में लिखा हुआ उस वचन को सही रीति में समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने सूली पर मेरे लिए काम मेरे साथ भी किया। ये बात का सही प्रकाश नहीं मिलेगा तो आप पाप के ऊपर विजय पाकर के एक जीवन नहीं बिता पाएगा। और एक बार रोमियो 6:6 ध्यान से पढ़िएगा, हम जानते हैं, देखा इसको मतलब हमको जानकारी मिल गया, हम जानते हैं क्या जानता, हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा कितना गहरा बात है प्रियो, हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रियो ये बात हम समझते हैं क्या, आज भी जो प्रभु यीशु मसीह में है उनको ये बात जानना जरूरी बात है प्रियो, है ये बात जानना। देखिए प्रेरित पौलुस ने अपने बारे में गवाही देता है तब वो क्या बोलता है, गलातियों 2:20 में, देखा अभी मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। प्रियो इसको बोलता है सच्चा विश्वास, ये विश्वास अभी तक हमारा है क्या, है आज मैं जी रहा है या मसीह मुझ में जी रहा है, है? आगे भी पढ़िएगा उसे, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अभी मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। देखा यह हमारा विश्वास है, मैं आपको बोलता हूँ प्रियो उसी जीवन एक विश्वास का जीवन है, प्रभु ने जो भी किया है वो हम बिल्कुल विश्वास करते हैं, मेरे लिए प्रभु ने ये काम किया। ये बात अगर आप विश्वास नहीं करोगे, विश्वास करना तक बड़ा अनुग्रह है, अनुग्रह आया हुआ है तभी तो विश्वास कर पाएगा, है ना। तो पौलुस बोलता है अभी मैं जो ये शरीर में जीवित है वो उस विश्वास से जीवित है जिसने मेरे को प्यार करके मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इतना बड़ी बात है प्रियो, हम लोग याद करते हैं क्या, मैं क्रिस्ती है तो मेरे जीवन, इसलिए पौलुस हमेशा एक ही बातों में वो प्रशंसा करता है, क्यों ना उसका गलाती हो 6:14 मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, इसके द्वारा संसार मेरे दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। कितनी बड़ी बात है। अभी हम संसार में रहता है तो भी हम संसार के अनुसार नहीं जीता, ना सोचता ना करता, प्रभु में आने के बाद में है ना जो भी प्रभु का वचन जो कहता है ना साफ बात है। आज बहुत लोगों को ऐसा अनुभव नहीं, टोटल का जीवन मिला करके वो अपने आप को धोखा दे रहा है ना। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा, यदि जो कोई मसीह यीशु में है नया सृष्टि है और पुराना सारे बात, हाँ पुराना सारे बात बीत गया, सब कुछ नया बन गया, प्रियो सब कुछ नया बन गया है। हम लोग कुछ बातों को दुनिया से जानकारी पा करके कई बातों में हमारे जीवन में बदलाव संभव है, कई अच्छा सोसाइटी में मिलेगा, अच्छा लोगों के साथ मिलेगा तो आपका गाली देने का स्वभाव मिट जाता, सिगरेट पीने का स्वभाव मिट जाता, शराब पीने का स्वभाव मिट जाता है ना, गंदे गंदे पिक्चर देखने का, ये सारे गुण छोटी ज्यादा अच्छा सोसाइटी में अच्छा लोगों के साथ रहेगा तो।
और जो आपका जीवन पूर्ण रूप में नहीं बदल सकता, आपका जीवन को पूर्ण रूप में बदलने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। अभी आप मसीह में आ गया तो बिल्कुल आप एक नया सृष्टि बन गया है। नहीं तो जैसा योगनाथ 3:6 में क्या लिखा, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। प्रियो, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, उसमें शरीर का काम आएगा ही, और जो नया जन्म पाया वो आत्मा से पाया, वो स्वर्गीय पिता से पाया, वो व्यक्ति इस पर विजय पा सकता है, इस पर विजय पा सकता है। तो एक सच्चा विजय जीवन बिताना है, एक पवित्र जीवन बिताना है, तो पाप के ऊपर विजय पाना है, तो हमें चार बात का ज्ञान बहुत जरूरी बात है। चार बातों को जानना बहुत जरूरी बात है। पहली बात हमें जानना है, जानकारी। वापस एक बार वो भजन आपको समझना है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, वापस रोमियो 6:6 पढ़ना। हम जानते हैं, हाँ, ये हमारा पुराना मनुष्यत्व, हम जानते हैं, ये जानकारी रखना। हम जानना, उधार पाए हुआ हर एक पवित्र लोग जानना, हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व, हाँ, उसके साथ उस पर चढ़ाया गया। बस देखिए, ये जानकारी हमारा होना। हर एक लोग एक सच में एक विजय जीवन बिताना चाहता है, तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हो व्यक्ति है, तो आपको ये जानकारी जरूर चाहिए। मेरा पुराना मनुष्यत्व प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ये बात वचन में लिखा हुआ बात सच्चाई की नहीं, सच्चे प्रियो। और दूसरी बात, हमें गिनना, हमें गिनना, क्या गिनना, उसका 11 वचन, हाँ, अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, वो मुझे समझो, या आप गिनना, आप अपने आप को उस रीति में मानना, मतलब गिनने का मतलब, अभी आपको मालूम है मेरे पास 100 रुपया है, मेरे पास 1000 रुपया करके मैं कैसे समझू, 100 रुपया है तो 100 रुपया, मेरे पास 100 रुपया है, मेरे पास सिर्फ 10 रुपया ही है करके मैं क्या सोचू, गिनने में गिनती नहीं होना, वो काउंट है, वो गिनती नहीं होता, वो करेक्ट रहता। तो मैं क्या गिनता अपने आप को, हमें अपने आप को क्या गिनना, मैं पाप के लिए मर गया, ये गिनना। ये गिनने का मतलब इसमें गिनती नहीं होता, इसमें गलती नहीं होता। कोई कई परिभाषा में इतना साफ नहीं आया, मैं ओरिजिनल परिभाषा से बोल रहा हूँ, मैं हिब्रू नहीं जानता, ग्रीक नहीं जानता, लेकिन मैं ओरिजिनल बोल रहा हूँ, अब इस बात को समझ लेना। इसका मतलब क्या है कि अपने जीवन में पहली बात हमें जानना, दूसरी बात हमें गिनना है। एक व्यक्ति के पास 1000 रुपया देकर गिनो, वो बोला 1000 है, वापस गिनो 1000 है, 1000 बार गिरेगा तो भी वो ये नहीं बोलेगा 1100 हुए बोलेगा, नहीं, वो जो है उतना बोलेगा ना, सही बात है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अच्छा समझ, अच्छी बात। और तीसरी बात है अर्पण करना, अर्पण करना अपने आप। आज भी बहुत लोग कमी क्या है, उन्होंने अर्पण नहीं किया, अपने आप को समर्पण किया है कि नहीं, ये बात को परखना पड़ेगी। विजय जीवन के लिए हमें रोज अर्पण करना पड़ता, अपने आप को रोज अर्पण करना है ना। कोई 6 अध्याय का 19 वचन, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति से चलता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, सौंपा था, सौंपने का मतलब अर्पण करना, अर्पण करना, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए सोम दो, सोमना, सोमने का मीन्स अर्पण करना, जो प्रभु के लिए सोम दो, धर्म के लिए सोम दो, सोमने का अर्थ प्रभु के लिए जो भी सोमा जाता वो पवित्र है ना। एक वचन उसके लिए, जब एक्सोडस 28:36 नरक बहन उसका 28:28-36 चौके सोने की एक पट्टी बनवाना, प्रभु के लिए अनुग्रह किया वो प्रभु के लिए पवित्र है, पवित्र है। इसका मतलब जानना है, गिनना है, अर्पण करना है, चारों बात चलना भी है।
क्या है? चलना भी है। रोमियो 8 अध्याय का 14 वचन, प्रियो एक व्यक्ति इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रियो एक बात जरूर जानना, प्रभु ने हमें अगर नया जन्म दिया है आत्मा के द्वारा, नया जन्म पाया, वो आत्मा पाया वो के आत्मा के अनुसार चलना भी है, चलना भी है। आप देखो, आप बोलता है आप उधार पाया, उधार पाए हुए लोगों में क्या है? प्रभु की आत्मा रहता, प्रभु की आत्मा रहता, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। प्रियो मैं आत्मा के अनुसार नहीं चलता, मैं अपना मनमानी में चलता है, वो मसीह जीवन नहीं है। प्रियो तीनों बात एक बात नहीं है तो भी उसको मसीह जीवन नहीं कहता है, तो बहुत बड़ी बात है। अपन अगर रोज रोज हम मसीह की अनुरूप बनना है तो ये चारों बातों की योग्य जीवन बिताना हमारे लिए जरूरी बात है। आप मुझे बताओ, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया, सच बात है? हैं? नहीं यार, इसने चाकू मारा था, खून बहा, मर गया। हैं? यीशु मसीह को सूली पर नहीं मारा, किसने आपके चाकू मारा, इसलिए वो मर गया। किसी लोग विश्वास करता नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करता? आपने देखा था क्या? फिर हाँ, ये बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा वो बात सच है, बाइबल में लिखा है कि वो क्रूस पर मरा। अभी दुनिया सारा मिलकर के बोलो उसका गला दबा कर मरा, गाड़ी के नीचे गया कर मरा, पहाड़ से नीचे गिरा कर मरा, विश्वास करेगा? नहीं। यीशु मसीह मरने के समय में उसकी दाहिनी और बाएं एक एक चोर को भी ढांगा था, नहीं नहीं नहीं, वो अकेला था, कोई चोर नहीं था वहां पर। क्या आपने देखा? नहीं। फिर क्यों मारा? वचन में लिखा है। फिर यही बात अभी तक हमने क्या पढ़ा हमारे बारे में, उधार पाए लोगों के बारे में? वचन में लिखा, वो नहीं मानता। यीशु मसीह सूली पर मर गया, दो चोरों के बीच में था, ये सब मानता, और तू प्रभु मरने के टाइम पर भी था, मेरे बाबू को लेकर मर गया, प्रभु मैं भी मर गया, ये नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? ये क्यों नहीं विश्वास करता? करता है क्या? सब लोग इधर ही है ना? प्रियो, प्रभु में आने के बाद में वास्तव में हमें एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं मिला था। देखो अभी आज भी लोग प्रभु के खातिर क्यों नहीं दौड़ पाता? पहले नहीं, इसके साथ तेरे में क्या लिखा? जो पाप में या बुराई में जीता है वो बेल नहीं पकड़ सकता, सामर्थ्य नहीं है, उड़ने का दिल नहीं, चलने का दिल नहीं। क्या संगति संगति है ना, क्या रोज मीटिंग में जाना है। प्रियो ये बहुत भयंकर बात है हमारे जीवन में, अगर हम प्रभु का सत्य वचन सुनकर के वो बात को विश्वास करने के लिए हम तैयार नहीं है तो आपने यीशु मसीह सूली पर मरा वो विश्वास किया, चोरों के बीच में था वो भी विश्वास किया, और जो आपको भी लेकर मर गया, आपका पापों को भी लेकर मर गया, ये सब विश्वास नहीं किया तो आपने उस विश्वास से जीवन भी नहीं पाया, जीवन भी नहीं पाया। आप ये सच्चाई को सही प्रकार अगर विश्वास नहीं करता है आपको जीवन नहीं मिलेगा। यीशु मसीह को छू लिया तो मुझे चंगाई मिलेगा, यीशु मसीह को छूने के लिए वो 12 साल से रिश्ते बारह वाला श्री आया, यीशु मसीह को छूने का मौका नहीं मिला क्योंकि भीड़ इतना था, वो इतना कमजोर था, वो बोला चलो मैं कपड़ा भी छू लिया, उसके कपड़ा भी छू लिया तो कपड़ा छूने का मौका मिला, मुश्किल से क्या हुआ चंगे हो गया। और तो यीशु मसीह को जो धक्का मार रहा था उसको कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? विश्वास नहीं था। प्रियो हमेशा हर एक बात ये जानना, प्रभु की हर एक वायदा प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? विश्वास विश्वास चाहिए।
है ना, यवन का सुसम मजा तीसरा अध्याय का 16 वचन सबको मानो, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, देखा, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। प्रियो, मुझे अनंत जीवन मिला है क्या? है ना, उसका 6 अध्याय का 40 वचन भी पढ़ना, क्योंकि मेरी इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, जो कोई पुत्र को देखे विश्वास करे और विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। अयो, क्या विश्वास करना, क्या विश्वास करना? प्रभु यीशु का मृत्यु मुझे पापी के लिए था, वो मेरा पापों को लेकर मर गया, वो मेरा पुराना मनुष्य को भी लेकर के मर गया, ये विश्वास करना भी हो। हमें एक बात है, प्रभु हमारे जीवन में आना, अनंत जीवन हमें मिलना बोलेगा तो यीशु मसीह को अपना दिल देना है। यीशु मसीह को दिल दिया वो व्यक्ति पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह ऐसे लोगों में आता, अनंत जीवन प्रभु ने हमें दिया, क्या हमें मिलेगा बोले का मतलब वो हमें हैंड ओवर नहीं करता आज है? ये जीवन काम रहे मालूम है, ये जीवन यीशु मसीह में ही है, यीशु मसीह आपके अंदर होना चाहिए, ये है इंपॉर्टेंट बात, समझ में आया? यीशु मसीह ने एक पैकेज आपको दे दिया, चलो खा लो, जैसे योना को बोला, एस्केल को बोला, ये खा लो, है खाने का भी बहुत गहरा अर्थ है, अपनाना है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया बोलेगा तो अनंत जीवन ऐसा एक पैकेज नहीं दिया, अनंत जीवन जिसमें है उसको ही दिया, हाँ ये जानना, उसको ही दिया, यीशु मसीह को ही दिया, है ना। योगन का सुसमाचार पहला योगना सॉरी सुसमाचार नहीं पहला योगना 5 अध्याय का 11-12 वचन, हमें अनंत जीवन दिया है, हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। ये जीवन कहां पर है? यीशु मसीह में है। और आगे, जिसके पास पुत्र है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। सिर्फ सिर्फ यीशु मसीह जिसके पास नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं, जीवन नहीं है, जीवन। श्री यीशु मसीह ने बोला सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, जीवन मुझे मिल गया तो यीशु मसीह मुझे मिल गया, यीशु मसीह मुझे मिल गया तो जीवन मिल गया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा कम से पूरा नहीं है तो भी हर तरह के साथ रहना प्लीज। हम लोग वास्तव में मैं एक सच्चा मसीह जीवन विधाता है क्या, इतना तो जानना चाहिए ना। अरे पवित्र लोग, हमने उधार पाकर के इतना साल हो गया बोलता है, लेकिन फिर भी जो जानना चाहिए वो बात को अगर नहीं जानेगा तो हम प्रभु का काम में नहीं आएगा, फिर प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, प्रभु की महिमा हमारे जीवन से नहीं हो सकता। तो यहाँ पर प्रभु ने क्या किया, अभी आप लोगों को इतना परिचय नहीं, हमारे देश में रबर बहुत है, हमारे घर में बहुत रबर था, वो रबर अच्छा दूध मिलने के लिए बड्डी करता है, बड्डी बड्डी किया हुआ रबर से बहुत दूध मिलता ना, बटिंग करने का बात है मालूम हो गया ना, बटिंग करना कलम करना, कलम करना बटिंग करना अंग्रेजी है, कलम करना, कलम किया, हमें मसीह के साथ कलम किया, हमारे मसीह के साथ कलम किया है तो हमारे में कौन सा गुण आना चाहिए? मसीह का, मसीह का, ये भी बात नहीं जाना, समझ आ रहा है ना। रोमियो का पत्री 11 अध्याय उसका 24 है, क्योंकि यदि तू जैतून से जो साटा गया वो कितने लोगों को पक्का विश्वास है मुझे अच्छा जैतून के साथ, अच्छा जैतून बोलेगा तो कौन? प्रभु यीशु मसीह, मुझे यीशु मसीह के साथ साटा गया, किस लोगों को विश्वास है? ऐसा किया है प्रभु ने, ऐसा किया है,
साठ हजार के बाद में वो पुराना बनारस चाहिए नहीं, नहीं फिर कैसे आएगा? नया बन जाएगा ना, शहरी जी में साटा गया तो शहरी जी में साटा गया तो ऐसा नहीं है तो वो बन नहीं आएगा। प्रभु का वचन कहता है पियो, इसलिए ना कई लोग बहुत कोशिश कर रहा है, आपका कोशिश से कुछ नहीं होता, आप प्रभु में बना रहना प्रियो, प्रभु में बना रहना। आज प्रभु में है क्या? सच में देखो आपका दिल क्या गवाही देता है प्रियो, मैं आपको ये वचन सुनने के टाइम पर आपका दिल आपको दोष लगाता है गया आउट्स है, हल्का बात नहीं, सीरियसली जानना प्रियो। आप जब वो ज्योति के पास आएगा तो क्या होगा उससे? अभी सुधरो, जहां से मन फिरना है मन फिरो। प्रभु यीशु ने बार बार इसका एकदम अच्छा एक दृष्टांत है यीशु मसीह ने जो योगना 15 अध्याय में हुआ दाखिलदा और डाली का भेद, वहां पर प्रभु बोलता है सभी पढ़ना चाहिए लेकिन टाइम नहीं, उसका 4-5 बजे पढ़े। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तू मुझ में और मैं तुझ में, काम बन गया। आगे जैसे दादी यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मालूम है कई लोग एक सच्चा मसीह जीवन बिताना चाहते हैं, कोशिश में है वो लोग, लेकिन मीटिंग में नहीं पहुंच पाता, मीटिंग में नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं? अरे प्रभु बिना तेरा पैसा व्यर्थ है, व्यर्थ है। प्रभु को छोड़कर आप भागते हैं ना, फिर आप कोई अच्छा काम के लिए निकलेगा तो भी काम में सक्सेस नहीं आएगा। मैंने कल भी एक बात बताया था, मेरा प्रभु ने चुना हुआ चैनल हो, जी उड़ने के बाद में भी प्रभु को मिला हुआ लोग, पत्रोस बोलता है अभी है ना मैं मछली पकड़ने जाता हूं, योहन्ना 21 अध्याय का 3 वचन से जब पढ़ेगा आपको मालूम है वो जा रहा है बोला तो कुछ चैनल बोला हम भी आता है, पहले संगति मिल गया, गया पूरा रात पर मेहनत किया, सुबेरे यीशु मसीह जेल पर खड़ा है, बच्चो मिला है क्या? नहीं मिला। क्यों? सागर में मछली नहीं था क्या? या इनको मछली पकड़ना नहीं आता क्या? अरे पकड़ने के लिए बचपन से मछुआरा है, और समुद्र में कहां कहां मछली है उनको ये भी मालूम, पड़ोस में लोग जाल डाल रहे हैं उसको भर करके मिल रहा है, इनको एक भी नहीं मिला। क्या समझा? उनके साथ अवर लोग है, वो लोगों का पूरा नौका भर गया, इनको एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला है। आपको समझ में आया? क्यों नहीं मिला? प्रभु साथ नहीं था उनको क्यों मिला? उनके साथ भी प्रभु नहीं था, लेकिन तू प्रभु का चुना हुआ है, तू प्रभु को छोड़ करके जो काम करेगा उसमें तू विजयी नहीं पाएगा। समझ में आया? नहीं समझा? आज आरंभित है, आरंभित कब होगा? आत्मा बेरेगा तभी होगा। बहुत बड़ी बात है, हम लोग उधार पाया पाया कहता है भर दो, हमारे में वो नया सृष्टि का अनुभव नहीं है तो फिर अभी भी पुराना सृष्टि है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी आदम की स्वभाव में जीता है वो सब शरीर में मिलेगा, क्या मिलेगा? शरीर में मिलेगा, और जो नया जन्म पाया वो सारे लोगों का अनुभव उनको आत्मा में मिलेगा, आत्मा का फल उसमें रहेगा। ये बड़ी बात है, आज हमें ये बात को जानना है। आज मेरे जीवन में अभी भी छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, शरीर का काम क्या क्या है, सारे बातें आज बहुत लोगों में है जो उधार पाया बोल के नकली जीवन बिताता है ना। अब पढ़ना
कह रहा थी वो 5 अध्याय 19 से 21 बस बस देखो ये सब बात अभी भी है। इसका मतलब क्या है? अभी भी आत्मा में आत्मा आया ही नहीं ना, नया जन्म हुआ ही नहीं, डुबकी लेकर के फिर भी विश्वासी बोल करके नारा खेल रहे योग, ये नारा छोड़ दो, सचमुच में जानो आप एक नया सृष्टि बना है क्या है? यीशु मसीह में जो है उनका बात तो सब आत्मा में प्रकट होगा। आत्मा में प्रकट होने वाला आत्मा का फल आगे देखा 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 कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह में जो है सब आत्मा में प्रकट होता है भाई, है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, आत्मा के अनुसार चलना। अब आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा है तो फिर आप किसके अनुसार चलता? दो ही बात है, एक ही आप शरीर के अनुसार चलता, नहीं तो आत्मा के अनुसार चलता। प्रभु का वचन में वही कह रहा थी 5 अध्याय 16-17 वचन, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। किसी रीति से पूरी नहीं करेगा, कितना बड़ी बात है, है? हमें यह बात को परखना, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आत्मा पाया है कि नहीं। आत्मा पाया है तो मैं आत्मा के अनुसार चलता है कि नहीं, नहीं चलता है तो आगे क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। बहुत बड़ी चेतावनी है, यो आत्मा पाया वाले लोग कितना अधिक आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। पाया है कि नहीं? आत्मा कैसे पाता? कोई कसरत से नहीं मिलता, विश्वास से मिलता है ना। विश्वास किया वो लोग तो उसमें आत्मा उनको मिला है, मिला है तो फिर आत्मा के अनुसार चलेगा, आत्मा का फल दिखाई देगा। लेकिन कई लोगों के जीवन में हम देखेगा तो हमारा आत्मा वो नाडल, देखो ये नाडल के ना बहुत आसानी है पर तो उधर नहीं पहुंचेगा, उसका दिल गवाही देगा तो ये नकली काम क्यों करता है। प्रियो नाड़ इधरी लोगों के सामने आप दिखा दिखा करके प्रभु के आगमन में त्यागा जाएगा तो क्या हो रहेगा फिर है, इतना भयंकर अवस्था रहेगा। अपने आप को देखो, अपने आप को परखो कि मेरे जीवन में आज प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर मरा, तो जब मरा तो मैं भी प्रभु के साथ मर गया। सिर्फ मेरा पापों को लेकर नहीं, मुझे मेरा पुराना मनुष्यत्व को भी लेकर यीशु मसीह मरा है। ऐसा है तो निश्चय बात है हमें ये बात को जानना है कि आज मेरा अवस्था अभी कहां पर है, मैं प्रभु की आत्मा पा करके उस आत्मा के अनुसार जीता है या अभी भी मैं उस पुराना जीवन के अनुसार जीता है। अपने जीवन को परखना पड़ेगा, आत्मा में चलकर प्रभु के साथ चलकर प्रभु को महिमा देकर के जीने वाले लोगों के लिए ये मैच तैयार किया है, अपनी मनमानी में जीने वालों के लिए नहीं प्रियो। इसलिए बहुत नम्र विनती करता हूं, हमें से कोई भी मैच में अयोग्य रीति में शामिल होने वाला क्या करता? दंड काता और पीता, दंड काता और पीता, भयंकर प्रयोग है प्रियो है। इसलिए बीमार भी गिरेगा, मृत्यु भी संभव है, मृत्यु भी संभव है, दुनिया का जिंदगी खत्म हो जाएगा। ऐसा ना होने दे, अपने आप को परखना पड़ेगा। मैं आत्मा पाया है क्या? मेरे नया जन्म हुआ है क्या? आज मैं अपने आप को क्या माने समझता है? मैं जिन बात को जानना चाहिए जानता है क्या? मैं जो गिनना चाहिए गिनता है क्या? मैं जो अर्पण करना चाहिए अर्पण करता है क्या? और मैं चलना चाहिए आत्मा के अनुसार चलता है क्या? ये बात को मैं परखना। वचनों के द्वारा आपको सब आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।